痛みを感じろ。痛みを考え。痛みを受け取れ。痛みを知れ。अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि आरजी और मेरी लड़ाई क्यों हो रही है। हाँ तो बात है 21 जनवरी 2021 की, जब मैं घर पे बोर हो रहा था और तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है। हेलो निंजा भाई, चलो ना दारू पीते हैं। ओके। बोतल मैंने ला दी है, तुम जरा चकना लेके आ जाना। लॉकडाउन का टाइम था, उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था और गाड़ियाँ तो चल नहीं रही थी, सो मैंने अपनी साइकिल उठाई और मार्केट चले गया। तो मैं एक शॉप में घुसा और मैंने अपनी साइकिल बाहर पर रख दी। तो मैं जैसे ही शॉप से बाहर निकला तो मैं देखता हूँ कि मेरा किसी ने साइकिल का पंचर कर दिया और मेरे सामने ही एक बंदा कैमरे की ओर बोल रहा होता है कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करता। मैं समझ गया कि इसी बंदे ने मेरी साइकिल का चेन निकाला है और मैं जोर से चिल्लाया, किसी को परेशान, हमारा साइकिल का पंचर कौन निकाला रे? यप, ये बंदा मैं ही हूँ। और मेरा गुस्सा मतलब आउट ऑफ लेवल, मेरे को इतना गुस्सा आया और इतना मारा आरजे ने मुझे। दारू की जगह मेरे दोस्त ने मुझे दवाइयाँ पिलाई है। पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती आरजी, मैं अपने 120 निंजास लेके आ रहा हूँ तेरे साथ लड़ने। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता आरजी। हाँ, अगर मेरा चैनल प्रमोट कर लो तो क्या पता मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। बट फिर भी मैं तुमसे लड़ने आ रहा हूँ और तुम्हारा एक ऑटोग्राफ भी ले लूँगा, क्योंकि आई एम योर बिग फैन।